जी मेरा क्वेश्चन मैम से है, मैम जो भी हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत को ही ब्लेम करती है कि उनकी वजह से ये सिचुएशन है और हम उनके कर्जों में ही डूबे हुए हैं, तो ये ब्लेम गेम क्यों चलती है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि महंगाई कब कम होगी? पहली बात तो ये है कि ये ब्लेम गेम वाला कोई सीन नहीं है, आपके सामने है 2018 से पहले जब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत थी और उससे पहले भी जब मियाँ नवाज शरीफ जब जब इक्तदार में आए हैं, देखें इंफ्रास्ट्रक्चर बना, एटमी धमाके हुए, सी पैक, IMF को खैरबाद कह दिया, ठीक है, मेट्रो लाइंस, ऑरेंज ट्रेन और हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, तमाम के तमाम PMLN के दौर में बने हैं, मियाँ नवाज शरीफ के दौर में बने हैं। और अगर आप ये कह रही हैं, मैं तो एतराज़ नहीं कर रही, आप सारे लोग मुझे बता दें कि ये जो पिछले 3.5 साल गुजरे हैं उसमें मुल्क जो है वो किस नहज पे गया? क्या डॉलर 2018 में 104 पे था और स्टेबल नहीं था? तो क्या डॉलर पिछले 3.5 सालों में नहीं बढ़ा? और जो वो बारूदी सुरंगें बिछा के गए हैं, अगर अब हम बताएं भी ना, अगर बताने को आप लोग ब्लेम करना कहते हैं तो फिर इसमें हम अब इस नहीं कुछ कह सकते। और जो दूसरा आपने सवाल किया कि महंगाई कब ख़त्म होगी, देखिए जो IMF के साथ वो डील करके गए थे ना जिन शराइत पे, उसके बाद ये जो महंगाई हुई है ये इससे भी कहीं गुना ज़्यादा होनी थी, जो कि इसहाक डार साहब ने अपने VN के मुताबिक उन्होंने उसको कंट्रोल फिर भी किया थोड़ा सा और आगे भी इंशाल्लाह तलाक कर रहे हैं। भैया मैं आपको एक बात बताऊं, अभी ये जो गवर्नमेंट आई है PDM की, इससे पहले मुल्क जिस नहज पे खड़ा था ना, आज अगर हम अपने मुल्क में इज्जत से बैठे दो वक्त की रोटी भी खा रहे हैं ना जो लोग, वो ये शुक्रिया अदा करें शहबाज शरीफ का। अगर शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में ना आते राधे, क्या आपको एक्चुअली में लगता है कि देयर इज एनी रूम इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर टू गो अप? जो होता है एक स्ट्रक्चर, एक होता है स्ट्रक्चर, पार्टी बनाने का स्ट्रक्चर तो मौजूद है लेकिन उस पार्टी के ऊपर जाने का स्ट्रक्चर टूवर्ड्स द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, ऐसा पाकिस्तान में मौजूद है? अच्छा, मेरा अपने ख्याल है आपने बड़ी ऐसी बात की है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं कहते इसको, मेरा ख्याल है बिल्डिंग अ पार्टी स्ट्रक्चर एक्चुअली इज द रूट टू डिस्ट्रॉइंग दैट स्टेटस को कल्चर, ये आपस में कनेक्टेड है। अगर आप पार्टी का स्ट्रक्चर बनाते हैं आम लोगों के साथ मिलके, तो वो जो स्टेटस को का कल्चर है वो वही तोड़ सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चर है वो तोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो इनकलाबी पार्टियां होती हैं वो क्या करती हैं, आपको तो पता है, आपने पढ़ी हुई है हिस्ट्री, मैं इनको बताने लगा। इनकलाबी पार्टियाँ जो होती हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं, जिस दिन उनका लीडर खड़े होकर कहता है ना कि आज सब बाहर निकल आए, तो चंद हज़ार लोग बाहर नहीं निकलते, करोड़ों की तादाद में लोग बाहर निकलते हैं। उनको पता होता है कि हमने क्यों निकलना है, हमारा हदफ क्या है, जब हम वापस आएंगे घर तो हमारे घर में क्या क्या चीज़ें जो होंगी जो पहले नहीं थी, हमें तालीम मिलेगी, हमें इलाज मिलेगा, उनको पता होता है कि इस तरीके से ही होगा। इसीलिए जब हम कॉल देते हैं या इवन नवाज शरीफ कॉल देंगे या आसिफ जारी कॉल दे के देख लें, कोई बंदा बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा, जहाँ तक वोटर की बात है, देखिए हमारा जो वो कहते हैं ना यूनिवर्सल सफरेज, यानी मतलब राइट टू वोट हर एक को जो मिला हुआ है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कहीं पे कॉन्ग्रेशनल सिस्टम होता है, उन सिस्टम में हमने वोट देना होता है, सिर्फ वोट लेना और देना जो है ना वो एक पूरा अलहदा एक आप ये समझें ये पैराडाइम है। मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में वोट कैसे लिया जाता है, हमारे मुल्क में वोट लिया जाता है सबसे पहले तो पैसों से, इतने गरीब लोग हैं, इतने गरीब लोग हैं कि हम झूठ भी बोले ना तो कम है। मैं आपको GT रोड पर लेके चलता हूँ या मुल्तान रोड पर, लेफ्ट और राइट आपको कहीं भी घुसा देता हूँ, आए जी कच्चे में से घुस जाएं, आपको गुर्बत नजर आएगी हर तरफ, गुर्बत ही गुर्बत, बिल्कुल। अच्छा, फर्ज करें उस आदमी को या औरत को आप कहते हैं कि जी आपने कलेक्शन आ गया वोट देना है किसी को, सबसे पहले वो पूछता है कि जी मुझे क्या मिलेगा, सिंपल बार्गेनिंग है। तो आप उसे कहते हैं 500 रुपया, वो कहता है 500 रुपया बेहतर है, वैसे भी क्या मिलना है, 500 रुपया दो वोट ले लो। तो सबसे पहले तो इस पर मिलता है, दूसरे नंबर पर थाने कचहरी के काम पे, फिर नालियां पक्की कच्ची कराने हैं, उसके अलावा फिर रोप और बरादरी का भी वोट होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बिल्कुल सही पता है, उन भाई साहब को ये लगता है कि अभी मैं इलेक्शन कराऊंगा ना तो मैं किसी को भी खड़ा करूंगा तो वोट मिल जाएगा जी। इनको पता पता कोई नहीं है इस वक्त कि हो क्या रहा है। एक्चुअली एक वेव आई थी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और अमरीकी साजिश और इन्होंने ना लोगों को पकड़ लिया था उस वक्त, फिर यह कि उस जमाने में ये मजलूम बन गए थे, यदि मेरी गवर्नमेंट चली गई, इन्होंने मुझे उतार दिया वगैरह वगैरह। अच्छा, वो जो वेव आई थी ना वो इनके पूरे पॉलिटिकल करियर की सबसे बड़ी वेव थी और उसकी उन्होंने पीक अचीव की,
एक चोटी पे चले गए, उस दिन से लेके ना आज तक वो चोटी से नीचे आ रहे हैं, उनको मालूम नहीं है। ये सोशल मीडिया पे इनको लगता है ना कि हमारे स्टॉलवर्ट्स लगे हुए हैं, हमारे एक्टिविस्ट लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। अब मसला ये है कि ये जो आदमी इनको इसको लगता है कि शायद ये लोग मुझे वोट देंगे, लोग उस जगह आ गए वापस, बिल्कुल वापस, वो कहते हैं फिर सारे वही हैं, 500 रुपये दो वोट ले लो, इसको पता नहीं है इस बात का। और इलेक्टेबल जो है ना, वो अब जिस पार्टी के पास इलेक्टेबल होंगे ना, वो वोट ले लेगा आराम से। तो ये जो एक अजीबोगरीब तासुर बनाया हुआ, ये बिल्कुल गलत है। परवेज मुशर्रफ को लगता था कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा हूँ, उनको लगता था मैं जब आऊँगा ना पाकिस्तान तो पूरे मुल्क में सड़कों पे लोग आ जाएंगे। जब वो कराची एयरपोर्ट पे उतरे तो उनको लेने के लिए चंद 100 लोग भी नहीं आए, वो डिप्रेशन में चले गए और उसके बाद उनकी पॉलिटिक्स भी खत्म हो गई। तो उनको अभी ये झटका लगने वाला। मैं ताडा फैन हो गया भाजी, मैं वोट पक्का, यकीन करो इंज दा सादा लीडर चाहिए थानू, लगते नहीं सियासतदान, लगते कब्जा लैन आए ने। वेखो जिन्होंने वोट मांगा ही नहीं, कोई बात ही नहीं की, उनको आप वोट देंगे? जब लड़ेंगे, जब वो कहेंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी तो उन्होंने बहस हो रही पीटीआई नून लीग पीटीआई, मैंने कहते तुम किधर जे, मैं क्या मैं जवाब है मैं साहब वाला, वो एक बंदे ने फौरन नासर भाई ने फोन मिला के तो गल कराती नहीं। मगर देखिए मजे की बात ये है कि आप लोग तो चले पुरानी राइवलरी के चक्कर में पीटीआई के दौर के अंदर जो भी था गुजरना पड़ा था आपको हार्ड टाइम से, मगर ये तो एक अकेले ही लगे हुए थे उस वक्त जब उनकी हुकूमत भी थी, आपने माशाल्लाह बड़ा जज्बे से उन 3.5 साल में। मैंने 2013 में ना, और ये तीनों लोग जो है उनको मैं गवाही के तौर पे वो बता, वो कह देंगे मैं गलत कह रहा हूँ। साबिक वज़ीरे आज़म ने मुझे 2013 में 3 दफ़ा कहा पार्टी में आने के लिए, 3 दफ़ा। एक दफ़ा तो लियाकत बलोच के सामने कहा, लियाकत बलोच गवाए इसके। दूसरे मुझे एहसन इकबाल मेरे घर आए, मेरे वालिद साहब और मेरे साथ बैठे, उन्होंने मुझे पार्टी में आने के लिए कहा 2013 में अगेन, जब क्योंकि मैंने जलसे अटेंड नहीं किए थे, उनका ख्याल था कि कुछ लोगों ने किए तो आपने नहीं किए तो आप इधर आना चाहिए, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मेरे सीनियर हैं। फिर नज़र गोंदल के भाई जुल्फकार गोंदल जो थे, मैं डॉक्टर लाल खान के घर बैठा हुआ था, शायद आपको पता हो, बहुत बड़े लेफ्टिस्ट हैं, मेरे उस्तादों में से भी एक हैं। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था तो जुल्फकार गोंदल ने फ़ोन पे मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब ने फ़ोन मिलाया, उन्होंने कहा जी हम आपको टिकट देते हैं पीपल्स पार्टी की लाहौर से। एक नज़रियाती आदमी जो होता है ना, मैं यूनिवर्सिटी के ज़माने से लेफ्ट और सेंटर हूँ और हम यूनिवर्सिटी के ज़माने से पोलिटिकल डिबेट्स और ये सब करते रहे हैं। मौसीकी में आने की वजह यह थी कि मैं मशहूर हो जाऊं ताकि मैं ये काम कर सकूं। आखिरकार मेरे वालदैन सियासियात पढ़ाते थे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। अब मेरे जैसा बंदा जो है ना वो पार्टी ही बना सकता है, वो किसी पार्टी में जा नहीं सकता। अगर कोई किसी पार्टी में, वो जो सारी पार्टियां अरबपति खरबपतियों की है उनको चलाते हैं, और जो वोट लेने का तरीका है वो है कि करोड़ों रुपया लगाओ अपने इलेक्शन पे, अगर नहीं लगा सकते तो आप फारिग हो, आपको पार्टी छोड़े टिकट भी नहीं देगी। टिकट लेने के लिए भी 2-4 लोगों का आपस में मुकाबला होता है कि पार्टी को पैसे कौन ज्यादा देगा ताकि उसको टिकट मिले। मगर मुझे बताएं आप कैसे इलेक्शन लड़ेंगे फिर, या हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू विन? ये जो आपने बात की ना ये करोड़ों वाली, ये सिर्फ पीटीआई का कल्चर था, ये नहीं पीएमएलएन का बिल्कुल ये कल्चर नहीं है, ऐसा कुछ भी कभी हमने नहीं सुना। मिडिल क्लास है, नून लीग में भी सारी मिडिल क्लास, टिकट लेने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, आपका मुकाबला नहीं होता। मैंने तो आज तक नहीं देखा जिस तरह ये बोलियां लगती थी जमान पर, हमने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप कोई सियासत करना चाहता है इन सब में से कोई भी आम लोग जो हैं, और इनकी अपनी पार्टी कोई नहीं है और उसका तरीका फिर कोई और होता है, वो कैसे चलती है उसका तरीका, जैसे लेबर पार्टी चलती है इंग्लैंड में, या जैसे आम आदमी पार्टी चलती है इंडिया में, अभी उन्होंने दिल्ली में हुकूमत बनाई है और वो उनके अंदर कोई अरबपति खरबपति नहीं है। पंजाब में जो बनाई है जो चीफ मिनिस्टर है, हाँ आप पंजाब में बना ली है, उन्होंने बनाई है। अच्छा देखिए ये जो लोग हैं ना सारे, इनको एक बात नहीं पता, जिस दिन इलेक्शन होता है सिर्फ पोलिंग बूथ जो है ना एमएनए और एमपीए के जो होते हैं, अगर उनको मैनेज करना हो ना तो ये 1.5-2 करोड़ रुपए का काम है सिर्फ उस दिन के लिए, और उसके अलावा जो कैंपेनिंग है, उसके अलावा जो इश्तहार हैं वो तो और ही है बिल्कुल, और मिला के अगर कोई बड़ी सीट हो तो आपके 10-15 या 20 करोड़ लग जाते हैं, और आपको तो थोड़ा सा पता ही, क्योंकि आपके तो काफी भी थोड़ा सा सियासत का है। तो ये सियासत टोटल सिर्फ पैसे की सियासत है, इसको तोड़ने के लिए
पैसा ही चाहिए, लेकिन वो इस तरह चाहिए जैसे ट्रेड यूनियन चलती है। जैसे मिसाल के तौर पर इस मुल्क के अंदर अगर एक तहरीक चले, आम लोगों को अक्ल आए और उनको पता चले कि हम भी कोई चीज़ हैं, और वो 2-3 करोड़ लोग मेंबरशिप लेके सिर्फ 1,000 रुपया महीना चंदा देते हैं उस पार्टी को। आपको पता है ये अरब रुपया बनता है, अरबों से। जी जी बिल्कुल। तो ये इस तरह पार्टियां ये चलती हैं, और लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि ये पार्टियां जो है जरूरी है पाकिस्तान में। मगर मुझे तो लगता है यहाँ पे इस वक्त ज्यादा इतना एक वो हो चुका होता है, डिसइंटरेस्ट इतना हो चुका है पॉलिटिक्स के अंदर। एक लोगों को अजीब लगेगी बात, इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है हमारा, जो कि हमारा मसला है, क्योंकि हम हर वक्त पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। और तो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक हर तबका जो है, आप कहीं रेस्टोरेंट खाना शादी घर कहीं चले जाएं, कोई सवाल सियासत से मुतालिक हो रहा होगा। ये एक डिसएडवांटेज लगता है मुझे एज अ बिगर सोसाइटी, बिकॉज हमारे पास और गुफ्तगू करने के लिए चीजें जो हैं हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे। बट एट द सेम टाइम जहां ये इंटरेस्ट है वहां पे डिसइंटरेस्ट है कि देयर इज नो होप फ्रॉम द पॉलिटिशियंस, जो कि एक अजीब सा एक कॉम्बो बन चुका हुआ है। नहीं, पीपल आर स्टिल होपफुल के मियां नवाज शरीफ जो हैं वो मजीद बेहतरी करेंगे। लोग अभी भी मुझे लगता है, देखिए एक आप जनरल